जो मर जो बंदे 24 घंटे मिर्च खाते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। ये खास नहीं है कुछ। तो ये अपने प्रॉन्स हो चुके हैं साफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आपको लग रहा होगा ऐसा, मैं गाड़ी में स्टार्टिंग क्यों कर रही हूँ व्लॉग का। तो गाड़ी में क्यों स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ होममेड बनाने वाली हूँ, गोवन कोई चीज। तो गोवन क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स, और गोवन स्टाइल में बनाऊंगी घर पे। और मैं ट्राई कर रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई एम ट्राइंग कि लाइक कुछ कुछ तो आना चाहिए। अभी गोवा में रह रहे हैं तो गोवा का थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, मतलब अदरवाइज हम गोवा के नाम पे धब्बा कहलाएंगे। तो चलो आज प्रॉन्स ट्राई करते हैं और टेस्ट कराएंगे अक्षु को। वो ऑनेस्टली बताता है कि अच्छा बना या नहीं बना। अगर नहीं अच्छा बना होता तो मुँह पे बोल देता है कि नहीं अच्छा बना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं वीडियो और घर पे चलते हैं। अभी मैंने प्रॉन्स ले लिए हैं यहाँ से, घर पे चल के पहले उनको मैरिनेट वगैरह जो भी करना है वो करते हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर, और प्रॉन्स ना एक जो इसके ऊपर शेल होता है वो मैंने हटवा लिया था वहीं से, तो अभी ये ऐसे बचे हैं। पर इसके अंदर ना यहाँ पे काले कलर का धागा होता है, वो निकालना ज़रूरी है। वो नहीं निकालोगे तो वो नहीं अच्छा लगता, मतलब पेट ख़राब करता है शायद, ऐसा कुछ मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर वो निकालना होता है। तो वो मुझे घर पे ही निकालना पड़ेगा। वो बड़ा शैल मैंने उधर ही हटवा लिया, और ये मैं निकालती हूँ अभी घर पे। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ कैसे निकालना रहता है। ये नाइफ से ना ऐसा बीच से कट मारना है इस पर, और ये धागा आपको दिख गया, ये वाला धागा, ये निकाल लेना है बस, ये ऐसे खींच के निकालना है, और ये हो गया अब रेडी अपना प्रॉन बनाने के लिए। तो सारे मैं एक बार निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो ये जो प्रॉन्स थे ये मैं लाई थी 200 के, इतने प्रॉन्स ये 200 के मिले थे। हैं तो थोड़े से ही, पर प्रॉन्स थोड़े से महंगे मिलते हैं। सारे वो 400 के दे रहे थे, मैं उसमें से हाफ लेके आई थी क्योंकि मुझे उतनी ही ज़रूरत थी। और अब मैं इसको करती हूँ मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए पहले मैं डालूंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और अगर नहीं भी है पेस्ट तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि घर पे कई बार नहीं भी होता तो काम चल जाता है। तो इतना डाला मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं लगती सी फूड में, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, पहले डाल के थोड़ी ही टेस्ट कर लो। ये इतनी सी मैं इसमें डालूंगी नमक, पता लगा फिर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो नमक होता है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी होता है। और थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्च, अप्रॉक्सीमेट इतनी, ज़रा सी और डाल देती हूँ ये, और हल्दी, मतलब बहुत बेसिक से मसाले इसमें डलते हैं मैरिनेट करने के लिए। ये हल्दी डाल दी, और एक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है, या तो आप इसमें डालो नींबू, या फिर डालो ये कोकम, ये है मेरे पास कोकम, क्या बोलते हैं इसको, आगड़ करके कुछ बोलते हैं इसको, तो मतलब ये जूस होता है कोकम का, आप ये मान लो एक तरीके से। तो थोड़ा सा मैं ये डालूंगी इसमें। बस 2 स्पून डालूंगी, और इसको कर देते हैं मिक्स, और रखते हैं इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए और मैरिनेट करके, फिर उसके बाद इस पर लगाएंगे रवा, तब दिखाती हूँ आपको रवा लगाते वक्त ये। तो ये अपने प्रॉन्स ना मैरिनेट हो गए हैं, और अब इनको करते हैं रवा कोट। वैसे इसकी प्रॉन्स की ना करी भी बहुत अच्छी बनती है, बट मुझे आज गोल्डन फ्राई बनाने थे जैसे रवा फ्राई, तो मैंने रवा फ्राई के लिए रखे ये रवा। इसको कोट करना है सिर्फ, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ऐसा एक उठाना है प्रॉन्स कोई सा भी, ये, और इसको ये रवा कोट करना है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये काम यूजुअली अक्षु का होता है, अक्षु करता है ये काम, बट वो अभी स्कूल में है, मैं सोच रही हूँ उसके आने का टाइम हो रहा है तो तब तक इसको कोट करके रख दूँ, सो दैट वो आए तो उसको सरप्राइज़ मिले कि अरे वाह प्रॉन्स बनाए। तो अब मैं शुरू करती हूँ इसको फ्राई करना। अक्षु आ गया है तो सोचा चलो फ्राई कर देते हैं। ये ऐसा तवे पे मैंने तेल डाला है, और जो लोहे का तवा रहता है ना उस पर अच्छे क्रिस्पी बनते हैं ये, तो उसी पे करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसा मैं डालूँगी इसको, तो इसका पकने का साइन क्या होता है, जैसे अभी ये खुला हुआ है और मैंने ये डाला, ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब ये पक गया है। और इसको बनाना ना बहुत ईजी होता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस टेस्ट आना चाहिए। और हो सकता है मैंने एक दो गलतियां करी हों, तो जो गोवंस देख रहे होते हैं तो वो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना, बट कैसा है मैं गोवन तो हूँ नहीं, तो मेरे को उतना अच्छे से नहीं पता चीज़ें, बट ट्राई करती हूँ।
और मेरी किचन से विंडो का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो। अब इसको फ्राई होने देते हैं एक बार, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो एक बार के ये अपने रेडी हो चुके हैं और अभी दूसरी बार के उधर बन रहे हैं, तो ये भी बस रेडी होने वाले हैं। भूख लगी अब जोरों की, देखते हैं टेस्ट कैसा है, वो आज हम बताएंगे मोनिका कैसा बनाती है भला खाना। आज मेरी मेरा एग्जाम है आज। तो पहले मैं खा के बताऊं या तू बताएगा? मैं ही खा लेता हूँ। चल तो ये ले इससे, चल कोई नहीं खा, देसी स्टाइल में खा। तो चाय कैसा, मतलब अच्छे हैं? बाहर अच्छे लगते हैं या ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं? टेस्ट यहीं पे वो करना है, टेस्ट मोनिका का हमें। सेम ही लगे हैं। क्या बात है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ एक। लग तो बड़े अच्छे रहे हैं देखने में, डिलीशियस एकदम। खास नहीं है कुछ। एनीवे मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छे हैं। मैं मोनिका का रिएक्शन देखना चाह रहा था, वो कैमरे के पीछे बैठी है, मुंह सुखड़ गया बेचारी का एकदम। जैसी मैंने बोला खास नहीं है कुछ, पर अच्छे बने हैं, थोड़ा सा स्पाइसी कम रह गए बस। तुझे भी लगे? हाँ, मुझे तो सही लगे। मुझे हल्के से स्पाइसी कम लगे, बाद में आ रहा है स्पाइसी का वो टेस्ट ना, और हल्की सी नमक भी कम लग रही है। जो बंदे 24 घंटे मिर्च खाते हैं उनके साथ सही होता है। हाँ ये भी है, मैं मिर्च ज़्यादा खाता हूँ। एनीवे ये अच्छा लगा हमें, और अभी फिर दोबारा कभी फिर ट्राई करते हैं, मोनिका से बोल रिक्वेस्ट करके बनवाएंगे। तो प्रॉन्स तो अच्छे बने थे, मैं ही बताऊंगा क्योंकि मोनिका ने बनाए। मोनिका अपने मुंह अपने प्रॉन्स की तारीफ नहीं कर सकती, पर मोनिका बताएगी कि हाँ कुछ छोटा सा जो मैंने बताया था ना, नमक हल्की सी कम थी, तो मोनिका को वही चीज़ लगी। अगली बार हरविंदर बनाएंगे और उसमें नमक परफेक्ट मिलेगी आपको। नहीं तो एक दो चीज़ें तो देखो रह जाती है जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। वो डिपेंड करता है टेस्ट पे। हमारा क्या है, हम थोड़ा सा चटपटा तीखा खाते हैं हल्का सा। बिकॉज कैसा होता है ना, जब भी खाना होता है तो बहुत सारे कमेंट निकलते हैं अंदर से, अरे ये ऐसा रह गया ऐसा रह गया। पर जब बनाना होता है ना, और बनाने के बाद कोई ऐसे ऐसे बोलता है कि ये रह गया वो रह गया, तो खराब लगता है। तो इसलिए मैंने ये खराब फील कराने के लिए सोचा है अगली जो भी डिश होगी वो हरविंदर बनाएंगे और मैं टेस्ट करके बताऊंगी। मैं बस सेम ही डिश बना सकता हूँ क्योंकि आज मैंने देख ली पीछे कैमरा पकड़ के, तो दोबारा सेम यही अप्लाई कर लूँगा। बस नमक और मिर्च मुझे ज़्यादा डालनी है, ये ध्यान रखूँगा। ठीक है, लेट्स सी कैसा बनाते हैं हरविंदर। एनीवे जो हमारे प्रॉन्स थे 200 के थे और तीनों ने पेट भर के खाए हैं, मतलब ट्वेंटी मतलब पीस थे हाँ, उसमें, 20 पीसेस थे। 10 रुपीज़ पीसीज आज समझ लो। ये बड़े वाले प्रॉन्स थे, छोटे वाले प्रॉन्स भी आते हैं वो नहीं थे, हाँ ये हम और बड़े लेके आए। हाँ बड़े लेके आए थे, टेस्टी लगे। और रेट भी अगर हम देखें अगोंडा के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे ज़्यादा रीजनेबल है, जो फिश चावड़ी है, मार्केट है। हाँ फिश मार्केट है। तो चलो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, मेरे को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या देते हैं। दो तीन हैं टॉपिक मेरे पास, कल ही प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो भी दे दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाय।